खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश की आर्थिक सेहत के खराब होने का असर चाय बागानों पर भी दिखाई देने लगा है। चाय उत्पादक कहने लगे हैं कि उन्हें लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है। ऐसे में चाय बागानों के क्या हाल हैं, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची असम के चाय बागानों में। असम के इन बागानों में पैदा होने वाली चाय की महक ना जाने कहां कहां तक पहुंची है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां की चाय का स्वाद बिगड़ा हुआ है। देश के आर्थिक संकट की आज इन चाय बागानों तक भी पहुंचती दिख रही है। चाय उत्पादकों का दावा है कि उन्हें अपनी लागत का पैसा नहीं मिल पा रहा। चाय कंपनियों का कहना है इस वजह से उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। चाय उद्योग के संकट की वजह जानने के लिए हम पहुंचे असम के डिब्रूगढ़। हालांकि पिछले 10-12 सालों से बताया जा रहा है कि चाय बागानों की यही स्थिति है, चाय के व्यापार की यही स्थिति है। जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं उनके बीच का जो फासला है उसकी वजह से उत्पादक घाटे में जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को चाय महंगे में मिल रही है। और ऐसे में इस पूरी कड़ी के जो सबसे निचले पायदान पे यानी कि मजदूर, वो सबसे ज्यादा इस चक्की में पिस रहे हैं। आखिर चाय उद्योग की असली दिक्कत क्या है, यही बात हमने पूछी असम कंपनी इंडिया लिमिटेड के सीनियर मैनेजर MS जामवाल से। चाय का जहां तक है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लेबर कॉस्ट जो है पिछले एक साल से 22% इंक्रीज हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, हर जगह इंक्रीज है। कंपैरेटिवली उस हिसाब से हम लोगों की चाय की दाम इंक्रीज नहीं हुए हैं। चाय उत्पादकों का दावा है कि चाय उत्पादन की लागत प्रति किलो करीब 150 से 200 रुपए आती है, लेकिन यही चाय उत्पादकों को 120 से 130 रुपए किलो में बेचनी पड़ती है। चाय उत्पादकों का दावा है कि उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ रहा है, लेकिन मजदूर यूनियन चाहती है कि सरकार इसकी जांच करे कि क्या वाकई कोई संकट है या केवल बाहरी तौर पर संकट दिखाया जा रहा है। जो प्रॉब्लम का बात ये बोल रहे हैं वो रियल है या आर्टिफिशियल है, इसको जानने का जरूरत है। और इसके लिए सरकार को एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी जरूर बनाना चाहिए जो चाय का क्या प्रॉब्लम है वो स्टडी करे, और ये जो प्रॉब्लम का बात बोल रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर आर्टिफिशियल है उसको निकाले, और निकालने का बाद में इसमें जो भी स्टेप लेने का जरूरत है वो सरकार अपना तरफ से ले। चाय उद्योग का मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि चाय इंडस्ट्री करीब 170 साल पुरानी है। इस इंडस्ट्री से करीब 15 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन चाय का कारोबार करीब 30 लाख लोगों का सहारा है। इस इंडस्ट्री में करीब 50% तो महिलाएं ही हैं। डिब्रूगढ़ के चाय बागान में भी हमें महिलाएं ज्यादा मिली। ये बताइए आप कि इसमें जो है मजदूरी ढंग का मिल जाता है? ऐसा नहीं नहीं मिलता है, जितना आज के मौजूदा में मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। कितनी है मजदूरी आपकी? 170। कितनी मजदूरी है आपकी और बोनस कितना मिलता है आप लोगों को? बोनस 20% दिया। और मजदूरी आपकी कितनी है? 60। इन मजदूरों का सहारा ये चाय बागान ही है, लेकिन इस बार जैसे हालात उत्पादकों की ओर से बताए जा रहे हैं उस हिसाब से तो मजदूरों के सालाना बोनस पर भी संकट मंडरा रहा है। अभी जैसे बोनस आ रहे, पहले हम लोग का जो ये वेज जब हाइक हुआ था उसका थोड़ा एरिया देने के लिए बाकी रह गया था। गार्डन्स लोग वो पैसा देने के लिए अभी कैश फ्लो नहीं है, दे रहे कोई स्प्लिट में दे रहे कोई जैसे जुगाड़ करके दे रहे है। अभी सितंबर लास्ट तक बोनस देना है, एंड बोनस एज यू नो इट इज डिपेंड्स अपॉन द बोनस टैक्स के ऊपर में है। आपको अगर सपोजिंग एक पैसा भी प्रॉफिट भी नहीं भी हुआ तो 8.33% देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप तो मैक्सिमम लेवल ऑफ अराउंड 20%। द वर्कर्स वो लोग देर यूज टू यू नो 20%, तो वो लोग मांग कर रहे कि 20% ही देना है। हालांकि कोई कोई गार्डन दे सकेंगे, लेकिन ए मेजोरिटी ऑफ द गार्डन इस बार नहीं दे सकेंगे। उसी को लेकर ऑफकोर्स हम लोग का आशंका है कि कोई कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, वो तो ऑलरेडी है। और एरिया वेजेस भी अभी भी कुछ कुछ गार्डन का अभी भी बाकी है देने के लिए। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का ऊपर में बेस करके ही होता है, जो बैलेंस शीट है कंपनी का वो आता है, आने के बाद में उसका ऊपर में चर्चा होता है और एक बोनस फाइनलाइज किया जाता है। और लास्ट ईयर तक बोनस अच्छा था,
लेकिन अभी इंडस्ट्री का एक स्टेटमेंट आया है, न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका स्टेटमेंट आया है कि उनका इस बार हालात अच्छा नहीं है, इसीलिए वो मिनिमम बोनस देंगे। तो इससे इससे हम लोगों को आपत्ति है, हम इससे कभी सहमत नहीं हैं। हम पिछली बार जिस तरह से बोनस हुआ था इंडस्ट्री में, हम इस बार भी उसी तरह से बोनस उम्मीद करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट मैक्सिमम बोनस दे। चाय उत्पादक कुछ कह रहे हैं और मजदूर कुछ और, ऐसे में टी बोर्ड के चेयरमैन प्रभात बीजबरुआ को सुनना बहुत जरूरी है। असल में टी इंडस्ट्री का जो क्राइसिस है, अभी अभी जो रिसेशन हो रहा है, उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। टी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम 2012 से 2019 तक चाय का दाम, होलसेल दाम बिल्कुल नहीं बढ़ा है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और इसके रूट में है कि चाय का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, और ये इंडस्ट्री ने डिमांड स्टिमुलेट करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। टी बोर्ड का नजरिया कुछ अलग है, ऐसे में चाय उद्योग की आर्थिक सेहत को लेकर नजरें अब सरकार की ओर है। ये जो परेशानी है चाय बागानों को लेकर के, चाय के व्यापार को लेकर के, इसको कम करना है तो सरकार को एक रणनीति बनानी होगी, ताकि जो चाय के उत्पादक हैं और जो चाय के कंज्यूमर हैं, उनके बीच में जो फासला है उसको कम किया जा सके, ताकि उत्पादकों को कुछ फायदा हो, जिसके बाद लेबर्स को भी कुछ फायदा जरूर होगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़ आसाम।